भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को आरपीएसजी समूह द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल आरपीएसजी ने दिग्गज क्रिकेटर को क्रिकेट संचालन के लिए ग्लोबल मेंटोर नियुक्त किया है। आईपीएल में वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मेंटोर की भूमिका अदा करते हैं। दरअसल आरपीएसजी द्वारा ग्लोबल मेंटोर नियुक्त किए जाने के बाद अब वो दक्षिण अफ्रीका में डरबन सुपर जायंट्स के लिए भी मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे। आरपीएसजी द्वारा मिले इस खास जिम्मेदारी से गंभीर काफी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना आरपीएसजी के खिलाफ आभार व्यक्त किया है। दरअसल पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने लिखा है, मेरी नजरों में खेल के दौरान पोस्ट ज्यादा भूमिका नहीं निभाती है। मेरा मानना है कि पोस्ट टीम की जीत को बस सुविधाजनक बनाने के लिए होता है। सुपर जायंट्स के लिए ग्लोबल मेंटोर के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी की आशा करता हूँ। मेरी जीत के प्रति लालसा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर सबको देखने को मिली है। उन्होंने आगे कहा, विश्व मंच पर सुपर जायंट्स परिवार को अमीट छाप छोड़ते हुए देखना गर्व की बात होगी। मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए मैं सुपर जायंट्स परिवार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलने के बाद अब मुझे कुछ और रातें जाग कर गुजारनी होगी। बता दें कि गौतम गंभीर ने हाल ही में अपनी अगुवाई में इंडिया कैपिटल्स को लीजेंड क्रिकेट टीम का विजेता बनाया है। टूर्नामेंट के दौरान मैदान में उनकी कप्तानी का जलवा देखने को मिला था। इंडिया कैपिटल्स फाइनल मुकाबले में भिलवाड़ा किंग्स को पराजित करते हुए विजयी बनी थी। बात करें गंभीर के क्रिकेट करियर के बारे में, तो उन्होंने देश के लिए 233 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 278 पारियों में 10,138 रन बनाए हैं। गंभीर के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में 58 मैच की 104 पारियों में 42.90 के औसत से 4,154 रन, वनडे में 139 मैच की 138 पारियों में 39.2 की औसत से 5,052 रन और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 36 मैचों की 36 पारियों में 27.4 की औसत से 932 रन निकले हैं। सर दोस्तों, गौतम गंभीर को लेकर आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें।